तो हम ये चालू करते हैं कि हु मूड माई चीज ये किताब है, वो किताब डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन इन्होंने लिखी हुई है और उनकी किताब के काफी सारी प्रतियां 2 करोड़ के ऊपर उसका उसकी खपत हो चुकी है। और वह किताब चेंज के बारे में, चेंज बदलाव, जो बदलाव लाना जरूरी होता है, मगर बदलाव नहीं लाते तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में है। तो उन्होंने ये बताया गया है कि 2 चूहे हैं, एक का नाम है स्निफ, एक का नाम है स्करी। 2 चूहे, और वो 2 चूहे भूखे हैं, और वो एक भूल भुलैया मेज रहता है, मेज भूल भुलैया, उसमें अंदर घुस जाते हैं अपना खाना मिलता क्या देखने के लिए, और उनको बहुत बड़ा चीज स्टेशन वहां मिल जाता है। तो वो फिर वो भूल भुलैया जो है उसके बाहर ही अपना घर बना लेते हैं, ताकि कहीं घूमने की जरूरत नहीं, जाने आने की तकलीफ नहीं, वहां के वहां सामने रहो, अंदर जाओ, चीज खाओ, वापस बाहर आ जाओ, मतलब इस तरह का उनका रोजका हो गया। पहले दिन जब वो गए थे तो उन्होंने ट्रैकिंग सूट, ट्रैकिंग शूज पहने हुए थे, बहुत दौड़ रहे थे, उनको मिल गया वो, और वहां मिलने के बाद में वो खाना वीना खाए, बाहर आके सो गए। ऐसा रोज वो करते थे, अंदर जाना, चीज खाना, बाहर आना, अपने घर पे जाना, सो जाना, और बहुत बेफिक्र हो गए। उनका जो ट्रैकिंग सूट था वो भी फेंक दिया, वो कहीं तो भी रखा, मतलब फेंक नहीं दिया, रखा उन्होंने, शूज भी बाजू में रख दिए, बोली जरूरत नहीं, बोले वहीं सामने घर है अपना, मकान सामने है, सामने दुकान है, वहां जाओ खाओ और आके सो जाओ। जो आदमी थे हॉ एंड हेम, तो जो 2 आदमी थे, ये आदमी भी ढूंढे ढूंढे वो मेज के पास में आगे, भूल भुलैया के पास में आ गए, उन्होंने देखा, उनको भी मिला चीज, उनको भी बहुत खुशी हो गई, वो चीज उन्होंने खाया, और खाने के बाद में डकार दिया, सो गए। फिर वो बोले कि बाहर इतना दूर क्यों जाना, उन्होंने भी अपना घर जो है वो भूल भुलैया के बाहर बना लिया, और वो भी अपना घर वहां सामने, वो मेज के सामने, वहीं उन्होंने घर बना लिया, वहीं जाना, अंदर खाना खाना, आके सो जाना। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो सूट था दौड़ने का, जॉगिंग सूट, वो फेंक दिया, जूते फेंक दिए, बोले इसको इसकी जरूरत ही नहीं, बोले अपने को अभी अपने को यहीं खाना मिल रहा है, अंदर जाओ खाना खाओ वापस आ जाओ। तो वो ऐसा रोज के रोज करते थे। इसमें आपको देखना है कि भूल भुलैया मतलब आप जहां आपकी चीज ढूंढ रहे हैं वो भूल भुलैया आपके लिए क्या है। आपके लिए भूल भुलैया मतलब सोसाइटी हो सकती है, आपके लिए भूल भुलैया मतलब फैमिली परिवार हो सकता है, आपके भूल भुलैया मतलब कंपनी हो सकती है, होल वर्ल्ड हो सकता है। कि जहां चीज, चीज मतलब जो आप खाते हो, चीज बटर मसाला वाला चीज, तो वो चीज जो है वो चीज आप खाते हो, वो चीज की हम बात कर रहे हैं। और आपका चीज मतलब क्या, आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए आपका जॉब हो, आपका पैसा हो, आपका एजुकेशन है, आपका बिजनेस है, आपका हेल्थ है, आपका पीस ऑफ माइंड है, आपकी रिलेशनशिप है, आपका चीज जो है वो ये हो सकता है। और ये आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, सोसाइटी में, परिवार में, होल वर्ल्ड में, कोई क्लब में, दुकान में, मकान में, कहीं भी आप ये ढूंढ रहे हैं कि आपको ये मिलेगा, और वो मिल जाता है, वो मिल जाता है, और मिलने के बाद में आप खुश हो जाते हो, बोलते चलो मिल गए, अभी कोई चिंता नहीं, बस अभी आराम करो, खाओ पियो, मजा करो, बेफिक्र हो जाते हैं। और जैसे वो स्निफ एंड स्करी बेफिक्र हो गए, हेम एंड हॉ बेफिक्र हो गए, वैसे आप भी बेफिक्र हो जाते हो, आपको भी लगता है कि अभी अपने को जिंदगी भर कोई देखने की जरूरत नहीं है, ये अपने को मिल गया, अब ये सब काम अपना बराबर चल रहा है। आप भी ऐसे ही करते हो, आपको देखना है कि आपका चीज क्या है, आप कौन सी चीज पाना चाहते थे, वो आपको मिल गई और आप बेफिक्र हो गए मिलने के बाद। फिर क्या हो गया आपके लिए, आपके जिंदगी में ये चीज का मतलब क्या होता है, वो आपको ढूंढना है, और वो मिलने के बाद में आप कैसे बेफिक्र हो गए वो आपको देखना है। आपके पास चीज है तो आप खुश रह सकते हैं। ये क्या हो गया कि वो जो
हिम था, बोले हॉ था, हॉ हॉ नाम का जो आदमी था उसने वहां यहाँ चीज स्टेशन था वहां लिख लिया। उसके पास में लिखने के लिए ये था पेन था, और वो पेन ने वहां दीवार के ऊपर लिखा कि आपके पास में चीज है तो आप खुश रह सकते हैं। और दोनों चूहे दोनों आदमी बहुत खुश थे, मजा कर रहे थे, बोले अपने को कभी कोई जिंदगी में देखने का कोई कारण नहीं है, अपन अभी कुछ भी कर सकते हैं, आराम करो, खाओ पियो, चंगा मजा करो। तो उसने दीवार के ऊपर लिख दिया आपके पास चीज है तो आप खुश रह सकते हो, मतलब आपको जो चीज चाहते हैं वो चीज आपको मिल गई, चीज मतलब वस्तु, जो वस्तु आप चाहते हो वो वस्तु आपको मिल गई तो आप खुश रह सकते हो और आप बेफिक्र हो जाते हो। राइट, आप बेफिक्र हो जाते हैं, खुश भी रहते हो और बेफिक्र भी हो जाते। एक दिन वो जब गए स्निफ एंड करी तो उनको दिखा कि अपना चीज ही गायब हो गया, चीज वहां है नहीं, खत्म, गायब। और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये चीज गायब हो गया, भूख तो बहुत लगी थी, ढूंढा रहा देखा वापस आए, हेम एंड हॉ वहां गए, वहां देखा चीज ही गायब। तो जोर से वो हेम चिल्लाया हु मूव्ड माय चीज, इट्स नॉट फेयर, मेरा चीज किसने हटाया, ये ठीक नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए, मेरा चीज किसने हटाया, यह अन्याय है, वापस लेकर जाओ, वापस लेकर आओ, वो चीज को वापस लेकर आओ, चिल्लाने लगा। तो फिर क्या हो गया कि स्निफ एंड्स करी दो तीन दिन चक्कर मारे, भूखे थे, और उनको ख्याल में आ गया कि ये चीज कोई वापस आने वाला है नहीं। तो उन्होंने फिर अपना जॉगिंग सूट निकाला, वो जॉगिंग शूज निकाले और फिर दौड़ना चालू किया वो भूलभुलैया के अंदर, और चीज ढूंढना चालू किया कि और अपने को कोई खाने को मिलता है क्या। और वो निकल गया, उनको एक चीज स्टेशन मिल गया और उन्होंने वहां खाना चालू किया, वही रहना चालू किया। अब बारी आ गई इनकी, हेम एंड हॉ की, ये आदमी है, आदमी मालूम है आदमी कैसा चिल्लाता है, वो छुए होशियार है आदमी से, आदमी है ना अपना बहुत आलसीपना है, अपन कंप्लेन करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बोले मेरा चीज किसने हटाया, हेम बोलता है, हेम जो आदमी है बोलता है वापस लेकर आओ ये अन्याय है। फिर वो हॉ जो है हॉ, तो वो हॉ भी उसके साथ में बैठता बोलता है यार सही बात है किसने हटाया, तो हॉ उसको बोलता है कि भाई ऐसा करो, वो स्निफ एंड स्करी जो है वो निकल गए ढूंढने के लिए, वो उनको कहीं तभी मिला होगा, वहीं रुक गए होंगे, वो वहीं खा रहे पी रहे होंगे, अपने को भी ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, अपना तो हटा लिया। तो हेम बोलता है दूसरे किसने कांड किया है, हम क्यों बदले, हम यहां से क्यों जाए, ये अन्याय है, हमको हमारा चीज वापस लेकर आओ, और वहीं बैठता है। उसको हॉ बोलता है कि अपने को कुछ तो भी करना पड़ेगा भाई, अपने को बदलना पड़ेगा, ये चीज यहाँ नहीं है, अपने को जाना पड़ेगा, नहीं मगर हम क्यों जाए, ये अन्याय है, हमको हमारा चीज वापस लेकर आओ, है ना, ये अन्याय वापस लेकर आओ। कौन बोल रहा है, हेम बोल रहा है। हॉ बोल रहा है उसको कि भाई चल कुछ तो भी करेंगे, नहीं बोले अपन नहीं आते। वो दोनों वापस आते, मेज के बाहर आते, घर में जाके सो जाते, फिर उठते, फिर अंदर जाते, दो तीन दिन हो जाते, भूखे प्यासे हैं, उनको कोई खाने को नहीं मिल रहा है। तो वहां वो हेम जो है, हॉ जो है, हॉ जरा थोड़ा सा दिमाग वाला रहता है, वो उसको बोलता है हेम को कि भाई डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज इनसैनिटी। हम क्या कर रहे हैं, रोज उठते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर चीज नहीं है, फिर भूखे पास पैसे बाहर आते हैं, सो जाते हैं, हमको भूख लगी हुई है, फिर उठते हैं, रोज ऐसा दो तीन दिन से हम कर रहे हैं, हम वही वही चीज बार बार कर रहे हैं, और हम सोच रहे कि चीज हमारा वापस आएगा, ये मूर्खता है, हमको यहां से निकलना पड़ेगा। हेम बोलता है कि नहीं, हम नहीं निकलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हमारा चीज वापस लेकर आओ, हमको हमारा चीज वापस चाहिए। वो हिलने को तैयार नहीं। तो वहां वो जो हॉ है वो दीवार के ऊपर लिखता है डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज इनसैनिटी, वो दीवार के ऊपर वहां लिखता है। फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन और जाते हैं। तो फिर वो हॉ जो है हेम को बोलता है कि भैया एक दरवाजा बंद हो गया, व्हेन वन डोर क्लोजेस द अदर ओपन्स, बट वी आर सो स्टक टू क्लोज डोर दैट वी डोंट सी द ओपन डोर।
एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, मगर हम बंद दरवाजे के ऊपर अपना सिर पटक पटक के लेते हैं और हमको दूसरा दरवाजा खुला नहीं दिखता। दूसरा दरवाजा खुला है, अपने को यहाँ से जाना पड़ेगा। वो स्निफ एंड स्क्री जो चूहे है वो निकल गए है, उनको मिल गया कुछ तभी, इसलिए वापस नहीं आए। चलो अपन वापस जाएंगे, अभी ढूंढने के लिए निकलेंगे। चलो, बोले नहीं नहीं मैं नहीं आता। वो हेम आने को तैयार नहीं है, हेम नहीं आता, मतलब मैं नहीं आता। बोले अपने को बदलना पड़ेगा। बोले नहीं 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 अपन गए और नहीं मिला तो समझो अपन यहां से जाते हैं और कहीं ढूंढने और जाते हैं तो अपने को नहीं मिला तो, हेम बोलता है हॉक, अपने को नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे। बोले आप कोई चीज से जितना डरते हो, हकीकत में वो चीज उतनी डरावनी नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं। वो वहां से हाँ बोलता है कि भैया मैं निकलता हूँ, मैं भी निकलता हूँ, अभी मैं भूखा हूँ, तू निकलने को तैयार नहीं है तू यहीं बैठ, मैं निकलता हूँ। और वो पैर मतलब अपना चालू कर देता है, पैदल चलना चालू कर देता है मेज के अंदर, और वो और ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ा निकल जाता है, थोड़ा अंदर घुसता है, थोड़ा अंदर घुसता है, तो उसको थोड़ा सा चीज मिल जाता है, वो खुश हो जाता है, थोड़ा खा लेता है, पेट भर जाता है। और फिर वो वहां लिखता है कि देखो हम अभी तक डर रहे थे बाहर निकलने को और कहीं ढूंढने को, मगर हम जो डर रहे थे एक्चुअली इतना डरने का कोई कारण नहीं है। वो दीवार के ऊपर लिखता है कि आप कोई चीज से जितना डरते हो, हकीकत में वह चीज उतनी डरावनी नहीं होती है। मैं ढूंढने के लिए अंदर निकला और इतना कुछ डरावना नहीं है, इतना कुछ डरावना नहीं है, मुझे तो मिल गया चीज, थोड़ा सा खा लिया, अच्छा लगा, पेट भर गया। आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं कि हम डरते हैं कोई नई चीज करने के लिए, कोई नई वस्तु करने के लिए, कोई नई बात करने के लिए डरते हैं। ये दोनों भी हेम एंड हॉ, दोनों भी डर रहे थे। जब तक वो डर रहे थे तब तक वो वही बैठे रहे। जब हॉ ने बोला कि डरने का कारण चलो अभी निकल जाएंगे तो उसको चीज मिल गया, हेम वहीं भूखा पड़ा है, मरा पड़ा है वहां। दो स्निफ एंड स्क्री, दोनों चूहे निकल गए, उनको तो कोई डर नहीं था, वो चूहे वो निकल गए, उनको भी मिल गया। हॉ निकल गया, उसको भी थोड़ा सा मिल गया। उसने दीवार के ऊपर लिखा, हॉ ने वो मेज के दीवार के ऊपर लिखा कि आप कोई चीज से जितना डरते हो, हकीकत में वो चीज उतनी डरावनी नहीं होती। वो लिखता इसलिए भी जा रहा था कि जब वापस आना पड़े तो अपने को रास्ता मिलना चाहिए, और रास्ते पे लिखते लिखते जाओ ताकि मैं वापस आऊं, अपने हेम जो बैठा है वहां उसके पास वापस आना पड़ेगा, तो जब वापस आ जाऊंगा तो रास्ता तो मिलना चाहिए, क्योंकि भूल भूल ही आए, रास्ता कहाँ भूल जाएंगे मालूम ही नहीं। वो दीवार पे लिखते 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 जाता है, तो लिखता है वो आप कोई चीज से जितना डरते हो उतना ज्यादा जितना डरते हो हकीकत में वो चीज उतनी डरावनी नहीं होती है। ठीक है, फिर वो आगे जाता है, क्योंकि पेट तो भरता नहीं है, थोड़ा मिल जाता है चीज, वो आगे जाता है। तो आगे जाके फिर वो दीवार के ऊपर लिखता है, जब आप अपने डर को जीत लेते हो तो आप आजाद महसूस करते हो, जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हो। इतनी डरावनी चीज नहीं होती है, मिल जाता है कुछ ना कुछ, मगर डर डर के मारे, डर डर के मारे अपन कुछ नया करते नहीं है। ठीक है ना, तो वो दीवार के ऊपर लिखता है, जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हो। क्योंकि हम हरदम बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो जब वो हॉर्न निकल गया वहां से, जब हॉर्न निकल गया तब उसको लगा अरे यार तभी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, बीच बीच में उसको चीज मिल भी रहा था। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहां मैं आपको कुछ शेयर करने का मौका देता हूं, आपको अभी तक क्या समझ में आ गया। और एक स्लाइड कर लूं, एक स्लाइड और कर लेता हूं ताकि थोड़ा और ओपन हो जाएगा आपको। पुरानी वस्तुओं को छोड़ना कठिन होता है, और आगे जाके बोलता है, वो लिखता है दीवार के ऊपर कि पुरानी वस्तुओं को छोड़ना कठिन होता है क्योंकि हमको उसके लिए बदलना होगा। तो क्या करता है और लिखता है, पुरानी वस्तुओं को छोड़ना कठिन होता है। कौन लिखता है ये? हॉ लिखता है। क्यों? क्योंकि जो अपने पास में पहला था चीज वो छोड़ना कठिन हो गया था, वो छोड़ नहीं रहा था, मगर उसको जब छोड़ा उसने,
डर के आगे जीत है, आगे जब गया दौड़ते दौड़ते जा रहा है, उसको चीज मिलता गया, थोड़ा थोड़ा का होगी ना मगर मिलता गया, खाता गया, उसको अच्छा लगता गया, और दीवार पे वो लिखता गया। दीवार पे क्या क्या लिखा उसने, दीवार पे उसने लिखा, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज इनसैनिटी, पागलपन है, मूर्खता है, वही वही बात करना। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है, ये दीवार के ऊपर लिखा। आगे गया, फिर और आगे गया, उसने लिखा आप कोई चीज से जितना डरते हो हकीकत में वह चीज उतनी डरावनी नहीं होती है, डरना नहीं चाहिए। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हो, फ्री महसूस करते हो, फ्रीडम मिलता है। और उसने आगे जाके लिखा पुरानी वस्तुओं को छोड़ना कठिन होता है, और आपने आगे जाके लिखा कि जितने जल्दी आप पुरानी चीजों को छोड़ेंगे उतना जल्दी आप नए चीजों को ढूंढ पाएंगे। मगर हम पुरानी चीजों को छोड़ते नहीं है। अब देखो आप कहाँ कहाँ किसी किसी को छोड़ते नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी होगा तो छोड़ेंगे नहीं, वही होना बोले, वही होना बोले। तो क्या समझ में आ रहा है? यस नवीन जी बोलिए। सर आप जानते हैं कि मैं आपको बहुत एडमायर करता हूं और आपकी हर बात को जानता हूं कि आप बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो जो आप एक ये चार स्लाइड या पांच स्लाइड हुई है, तो पहली स्लाइड के ऊपर आप जानते हैं 99% लोग यही काम करते हैं, 99% लोगों का यही रूटीन है। तो हम किसी एक स्लाइड को पकड़ के सिर्फ उसके ऊपर डिस्कशन करें और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि उसके रास्ते क्या क्या है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। सोल्यूशन के ऊपर बात करें ना, देखो ना सोल्यूशन अभी हर आदमी एक ही तरीके के रूटीन में काम करता रहेगा। हाँ, और चाहेगा देखो सुनो सुनो आपने सुना होगा सोल्यूशन आया, सोल्यूशन बताया वो हॉ जो है, हॉ जो आदमी है उसने क्या बोला हेम को, उसने हेम को ये बोला, सोल्यूशन दिया उसने कि भाई अपन वही 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 काम कर रहे हैं, अपने को अभी नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, चल तू बाहर चल, बाहर चल मतलब अंदर चल और घुसेंगे अंदर। और उसने सोल्यूशन निकाला, उसने क्या सोल्यूशन निकाला कि चलो निकलो अभी, एक जगह जकड़ के मत बैठो, निकलो बाहर, निकलो एक्शन। लेकिन सर हाँ जैसे तो 1% है, हम लोगों को तो हेम के ऊपर इलाज करना है ना, तो हेम को हम किस तरीके उस डर से बाहर निकाल पाए, ये वो डर जो है जो अंदर सबके अंदर बसा हुआ है, वो डर सर वो डर का सोल्यूशन करिए ना, कि डर से हम क्या छोटा स्टेप लें जिससे वो डर से बाहर निकल जाए। वही तो बोला कि डर से बाहर निकलने के लिए, देखो फिर से डर से बाहर निकलने के लिए वो उसको उपदेश दे रहा है, वो लिख रहा है, मैं फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको स्लाइड। डर से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, डर से बाहर निकलने के लिए बोलना है जितने जल्दी आप पुराने चीजों को छोड़ेंगे उतने जल्दी आप नए चीजों को ढूंढ पाएंगे। तो छोड़ो पुराने बातों को अभी, चलो गया, पास्ट इज पास्ट, यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, चलो मोकला कर दो उसको, पकड़ के मत बैठो, नहीं 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 ये अन्याय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा नहीं होना चाहिए, मेरा मेरा चीज वापस लेके आ जाओ, मुझे तो होना ही है, आप रोते बैठे हो तभी, चलो छोड़ो उसको। तो अपने जितना जल्दी छोड़ देंगे और नए के तरफ जाएंगे उतने जल्दी आजादी महसूस करेंगे, बस वो सोल्यूशन है उसको। उसके बाद सोल्यूशन ये है कि एक्शन लेनी पड़ेगी, नया ढूंढना पड़ेगा रास्ता, नया देखना पड़ेगा नया क्या है, पुराने चीजों को पकड़ पकड़ के वही रट लगा के वही घुमा फिरा के बैठना और कुछ नया मिलेगा ऐसी अपेक्षा करना, ये गलत है, ये मूर्खता है। नहीं तो फिर नई एक्शन लो, नहीं तो फिर नई एक्शन। तो उसने नई एक्शन क्या लिया, अभी पुराने चीज के पास में नहीं गया, अभी नए चीज के पास ढूंढने के लिए चलेगा, बोले यहां मतलब नहीं है, अपना टाइम पास हो रहा है। गुड, थैंक यू फॉर शेयर। हाँ यस आपकी आवाज नहीं आ रही, ये और कोई शेयर करना सर, मैं कह रहा हूं ये तो चीज एक टॉपिक हो गया, कई लोगों के जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम है, तो किसमें कैसे एक्शन ले, कई बार कोई ऐसे स्टक होते हैं ना जिसमें एक्शन नहीं निकल पा रहा, नए नए ट्राई करते रहते हैं, फिर एक लेबल आता है जहां पे पता चलता है कि आपने जितने भी एक्शन लिए वो सब फेल हो गए। तो वहां पे जैसे आपने कहा कि उसको थोड़ा सा चीज मिला, तो उसको क्या नाम है, जो भी हम लोग कहते हैं डोपामिन रिलीज हुआ या कुछ हुआ,
अब वहीं पे जब बार बार डर का आपको वो हार्मोन रिलीज होता रहेगा, तो वो तो उसके अंदर और नेगेटिविटी बनती जाएगी ना, जब वो बार बार फेलियर होगा। तो और नए नए एक्शन लेने पड़ेंगे, और नए नए एक्शन लेने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि 10 में से ओके सर, 9 एक्शन आपकी फेल हो सकती है और आपको मालूम नहीं कि कौन सी फेल हो जाएंगी और कौन सी बराबर निकलेगी। इसलिए आपको एक्शन लेनी पड़ती है, और डर डर के रहेंगे तो एक्शन होंगी नहीं, आपको एक्शन लेनी पड़ेंगी, फेल होते होना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा। फेल हो गए इसका मतलब कुछ भी नहीं है, डरने का नहीं है, निकलने का है बाहर। आई नो, मैं आपकी इस बात को एग्री करता हूं। मैं कहता हूं जैसे मान लीजिए मेरे 10 एक्शन फेल हो गए, तो मैं चाहता हूं कि 10 में से मुझे आगे रास्ता नहीं दिखाई देता, तो मुझे 2 और एक्शन पता चले कि ये करो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा सा मन में होता है कि हाँ तो कुछ तो क्या कर है रहे हैं, कि तो क्या दो है एक्शन और बताओ, देखो लेना। नवीन जी, आप है ना ऐसा जनरल बोलते हैं ना तो उसमें बहुत कठिन होता है, और स्पेसिफिक आप बोलना नहीं चाहते सबके सामने, है ना, और जनरल बोलते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन निकलता नहीं। ओके जब आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो सोल्यूशन ओके निकले, जनरल में कोई सोल्यूशन निकलता नहीं। तो ओके सर, ये संगीता बोल रही है कि नवीन जी बी स्पेसिफिक, आपके ऊपर कमेंट आ रहे, देखो चैट बॉक्स में भी कि स्पेसिफिक बोलो, आपका क्या ओके बोलना सर, है ना। जनरल में आप बात करेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं, कहना मैं, बट आई वांट टू, मालूम है। यस यू यस नो सर, बट आई वांट टू सी, यस यस अपन यस बात ओके करेंगे, सर, फिर ओके सेपरेटली बात करेंगे। थैंक ओके यस यू, सतीश ओके भाई, बोलो सतीश ओके। जी। हाँ सर, वैसा मैंने हिमाचल प्रदेश में बहुत बहुत साल ट्रैकिंग किया है सर। माउंट एवरेस्ट पे जब क्लाइम करने को लोग जाते हैं तो उनके पड़ाव बहुत होते हैं सर, 10-15 पड़ाव होते हैं, तो जैसे 5वां 6वां जब पड़ाव होता है वहां पे वो रुक जाते हैं, तो उस वक्त अगर उनको वेदर सूट नहीं होता तो उस वक्त वो लोग 5वें पड़ाव से नीचे चौथे पड़ाव पे आते हैं, और चौथे पड़ाव पे अपने आप को वहां पे एक्लिमेटाइज करते हैं, और बाद में और ट्रैकिंग करना चालू कर देते हैं, और उसमें वो सक्सेस पाते हैं। मेरे को यही कहना है कि सर, जीवन में बदलाव जरूरी है, प्रसंग के अनुरूप अपने को जब जब हम बदलेंगे तो सक्सेस वही मिलेगा जो आप बड़ा कहना करेक्ट चाहते हो सर। करेक्ट गुड, थैंक यू। अरुण अग्रवाल जी बोलिए, अरुण अग्रवाल जी अनम्यूट करो। यस सर, चेंज करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, वो डिसीजन ही डिफिकल्ट रहता है। हाँ, मगर वो डिफिकल्ट है। आपका वीडियो चालू करो, वीडियो चालू करो। मैं पिछले बार भी बताया था, आपका वीडियो चालू करो। हाँ तो डिफिकल्ट है ना, बराबर है। आपके पास में पेन है, पेन पेन पकड़ो, पेन पकड़ो ना, पेन मेरे पास पेन है, देखो ये, आप पेन पकड़ो, आपके पास पेन है, हाँ पेन पकड़ लो, पकड़ लिया पेन, हाँ गुड। अभी डिफिकल्ट पकड़ो, डिफिकल्ट आपने बोला डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट पकड़ो, अभी पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकते, क्यों डिफिकल्ट कुछ है नहीं। है नहीं, तो क्या पकड़ेंगे, तो जब अपने बराबर, मुंह में अपन बोलेंगे डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है, आसान है तो आसान है, जो आप बोलेंगे होता जाएगा। ऊपर वाला बोलता है तथास्तु, अब जो बराबर बोलेंगे वो होगा डिफिकल्ट। ये हमने शब्द समझो, अपने पास में डिफिकल्ट ये शब्द अपने शब्दकोश में रहता नहीं था, तो आप क्या बोलते थे। इजी है, हाँ? कुछ नहीं बोलते थे ना, कुछ नहीं कुछ बोलते, नहीं बोलते थे, डिफिकल्ट शब्द ही नहीं है तो फिर क्या बोलते थे, करो करो जो करना है करो, करना आपको पड़ेगा। डिफिकल्ट मालूम ही नहीं है, समझो आपको बोला कि डिफिकल्ट बोलना मना है, कि डिफिकल्ट शब्द ही नहीं है शब्दकोश, है चेंज ना। करना बट पड़ेगा। करना है, काम करना है, और हो सकता है कि आप पढ़ेंगे गिरेंगे, है ना, गिरेंगे मार लगेगा, तो गिरना कोई बुरा नहीं है, गिरकर रहना बुरा है। बराबर गिर गए, फटाक से उड़ गए, कपड़े बराबर झटक दिए, चलो बराबर कपड़े झटक दिए, चलो काम पे लग गए, चलो बोले चलो बराबर और कुछ करते हैं, मगर गिर के बराबर रहना प्रॉब्लम है ना, बराबर गिरना थोड़ी प्रॉब्लम है, गिरते तो सब कुछ गिरते हैं, मगर हम बच्चा हम है ना, हमारा बचपना बराबर भूल गए, हम सुबह जो क्लास लेते हैं ना, सवेरे का जादू का, उसमें बोलते कि हमारा बचपना भूल गए,
देखो छोटा बच्चा है ना, 2 साल का 3 साल का, तो वो गिरेगा ना थोड़ा रोएगा, फटाक से उठेगा फिर खेलना चालू करेगा। हाँ हम एक बार गिर गए तो जो रोते बैठे, ओ मैं गिर गया, मुझे ऐसा हो गया, फिर ओ मेरे को ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर ओ मैं तो मेरे को उसने मारा मारा, फिर ऐसा हो गया, चालू वही रट करते बैठेंगे, और 1 साल वही गिरा वही चालू, मैं ऐसा हो गया। वो बच्चा बना बच्चा फटाफट, ब्रूडिंग 2 साल ब्रूडिंग 3 साल का बच्चा देखो उठता है चालू कर देता है, वो नहीं बोलता डिफिकल्ट है, उसको बोलो खुद ही मार दे, जम कर कुछ भी करता हो, उसके लिए डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है ना, गुड, थैंक यू। बराबर बराबर। यस, और बोलिए सुनीता जी, कहाँ गई सुनीता? हाँ इधर है, इधर बोलिए। इंदौर बोलिए जी, आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। बारिश थोड़ी आ रही, जोर से बोलो। और सर, मैं ना बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं पेंटिंग की ना क्लासेस चालू करूँ, कुकिंग क्लास चालू करूँ, पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ, चेंज करना बहुत मुश्किल है, ऐसे लगता है। कर नहीं पाती नहीं, हेलो, हाँ कर नहीं पाती नहीं, करना मैं नहीं चाहती, करती नहीं करना हूं, नहीं मैं चाहती। करती नहीं हूं, हाँ आप करती नहीं है, जानबूझकर करती नहीं आप। कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते, हाँ ऐसा बोलो ना, मैं जानबूझकर करती नहीं हूँ, कर जानबूझ नहीं के पाती ऐसा नहीं नहीं। है, कर पाती हाँ है पर आपको करना नहीं है, हाँ तो सीधी ये ना बात बोलो ना, मेरे को गवर्नमेंट करना की नहीं क्या है। होगी, और है ना दो काम बाहर का नहीं होएगा, ये मेरे को कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत नहीं आप बोलो, आप सीधी बात करो, मेरे को करना नहीं है, है ना, सही। ना सीधी बात करो ना, मेरे को पेंटिंग करने की इच्छा है, मेरे को कार चलाने की इच्छा है, मेरे को ये करना है, करना ही नहीं है, ये सिर्फ बोलने की बात है, बाहर अच्छा लगता है ऐसा बोलो, मेरे को है ना ये करना है, मेरे को है ना वो करना है, लोग तो ना वाह सुनीता जी वाह वाह, क्या ग्रेट आदमी है, क्या ग्रेट भाई है, बहुत बढ़िया, करना ही नहीं है, क्योंकि आपको जो जो अभी तक जो जो करना चाहती थी आप, वो आपने किया हुआ है, जो सच्ची दिल से जो करना चाहती थी ना वो कर, वो क्या है, आप सवेरे क्लास में आती है जादू के, फिर आती है वो कैसे आती है, क्योंकि आपको आना, आप आना चाहती है करके आती है, आप अभी ये क्लास में आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि आप आना चाहती है करके आ गई, जहां जाना चाहती है वहां जाती है, जहां नहीं जाना चाहती वहां नहीं जाती है, सीधी बात है ना। और एक और बात ये भी है ना सर, जैसे पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत होती तो शायद कर लेती मैं, जैसे ऐसा कुछ नहीं है ना, अभी ये मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, अभी ये क्लास कर रहा हूं, आपको क्या लगता है, नहीं वो मेरी क्लास का बोल रही हूं मैं, नहीं कोई भी काम, कोई भी कोई भी काम। काम ऐसा कोई कारण थोड़ी होना है उसका, पैसा होगा तो ही करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं मतलब कमाने की इच्छा नहीं है ऐसा। हाँ इच्छा नहीं है तो मगर शौक के लिए भी कर सकते हैं ना पेंटिंग, मगर करना ही नहीं, आप शौक के लिए भी कर सकते, ठीक है ना, गुड वेरी गुड, आपने कुछ टॉपिक लाया फिर क्या होता है उसमें चर्चा हो जाती है, वेरी गुड, हाँ चेंज बहुत मुश्किल है सर, लेकिन चेंज मतलब बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट बहुत ही, मुश्किल है। हमारा ब्रेन जो है ना वो इतना हरामी है कि वो चेंज नहीं करने देता, बोलता नहीं जो चल रहा है वो चलने दो, मेरे को तकलीफ हाँ आप चाहते खींच लेते हैं, हमको है। जाना करना चाहते पर खींच लेता वो ब्रेन। हाँ ब्रेन खींच लेता है, मगर आप करना चाहते ही नहीं है, समझ के चलो कि आप करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप जो हाँ करना चाहते हैं वो कर लिए, हाँ आप स्नान करते कि नहीं रोज स्नान, क्योंकि चाहते रोज हैं करके स्नान करते हैं। यस शुभा शुभा जी बोलिए, शुभा ठाकुर मैडम, शुभा मैडम बोलिए, यस अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट करो, बोला आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज अनम्यूट करो, हाँ सर,
हाँ बोलिए। नमस्ते सर। ऐसा जो नमस्ते। अभी जो हम सोच रहे, सर आवाज आ रही? हाँ बोलिए। हाँ, कि चेंज करना है। अभी मैं स्कॉटलैंड में हूँ। मैं रोज ये सोचती थी कि मैं मॉर्निंग वॉक इतने ठंडी में जा सकती या नहीं जा सकती, क्या करना है। अभी मेरा मॉर्निंग वॉक नहीं हो रहा, लेकिन मैं 2 दिन पहले से, वैसे भी मैं ट्रायल करके 2 दिन मैं बाहर घूमने चली गई, अकेले चली गई, और एक या 1.5 किलोमीटर मैं सुबह में जा रही हूँ, और ऐसी कुछ तकलीफ नहीं हो रही। अभी जैसे मैंने सोचा कि नहीं चलो अपन जा ही सकेंगे इतने ठंड में, तो मैं 2 दिन से शुरू कर दिया। आज का चौथा दिन है, मैं मॉर्निंग वॉक को सुबह रोज डेली जा रही। हाँ गुड, बराबर है ना। तो हमने क्या देखा कि आपको जो लगता कि चेंज जो है ना, चेंज हाँ आप कोई चीज से जितना डरते हो, हकीकत में वह चीज उतनी डरावनी नहीं होती है ना। हाँ आपको डर सर लग रहा था कि भाई सवेरे उठेंगे ठंड बहुत है, ऐसा है वैसा है, उतना कुछ डरावना वो होता नहीं है। आप एक बार काम चालू कर दो, कुछ नहीं होगा है ना, ओके, कुछ थैंक यू नहीं होने वाला। थैंक थैंक यू थैंक यू। यू। यस, और कोई ऊपर हाथ है देखो। यस, तो जितने जल्दी आप पुरानी चीजों को छोड़ेंगे, उतना जल्दी आप नए चीजों को ढूंढ पाएंगे। नवीन जी, आप अपने लाइफ में देखते जाओ, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आपका चीज आपके लिए जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उतना ज्यादा आप उसे जकड़ जाते हो, आप छोड़ते नहीं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप छोड़ने को तैयार नहीं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप छोड़ने को तैयार नहीं है, वो चीज छोड़ने को आप तैयार नहीं। यस, हम क्या करते, पकड़ के बैठते, छोड़ते नहीं है। आपका नाम क्या है? हाथ ऊपर है, नाम बताइए और शेयर करो, अनम्यूट करो। हेलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट करो। नहीं बात हो रही। यस कांता मैडम बोलिए। सर, एक क्वेश्चन आया मन में कि यस जैसे वो स्लाइड में बताया कि पुरानी चीजों को जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप नई चीज को। आपका आवाज चले गया, आपका आवाज आवाज आवाज। हेलो, आपकी आवाज चली गई। हेलो, हाँ कि कहानी में क्या है कि उनका चीज गायब हो जाता है, तो वहां उनको छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं ना, वो तो चला गया। हाँ, मगर छोड़ने को तैयार नहीं ना, बोलता ही नहीं आएगा, कोई तो भी लाके रखेगा, जो लेकर गया है हाँ वो अच्छा। लाएगा। मैं तो यहीं बैठता हूँ। वेट हाँ, हेम जो है ना, हेम वो बैठे करता रहता है और हाँ बोलता है, अभी बहुत हो गए, 3-4 दिन हो गए, खाली पीली पड़े हैं, अपन अभी अपने को निकलना पड़ेगा। वो तो चले गए, चूहे बेचारे वो कितने होशियार है, वो चले गए, वो नहीं बैठे रहे ऐसे। अपन तो 2-3 दिन तो ऐसे गमा दिए, अभी चलो निकलो। तो हेम बोलता, नहीं नहीं मैं नहीं निकलूंगा, मेरे को तो यहीं बैठना है, मेरा चीज ने हटाया, मेरे को वापस लेके दो। कौन लेके गया, ये अन्याय है, मेरा चीज मेरे को वापस होना। छोड़ने को तैयार नहीं जगह, वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। उसको लगता है कि तो कोई तो भी लाके देगा, हाँ, तो भी इसमें लाके से, देगा। हाँ इसमें से प्रेजेंट नहीं हो रहा है कि वो क्या बोलना चाहते हैं कि भाई चीज तो चला गया, और वो बोलता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, और जिन्होंने भी वे लेके गए हैं वो हमको हमारा वापस दो, और वापस ये सोच के वो बैठ रहता। तो जैसे नवीन साहब ने शेयर किया कि यहाँ, दो नहीं है। हाँ कि यहाँ सिर्फ क्या बोलते, प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है कि नहीं, राजा म्यूट करा। हाँ कि भाई यहाँ सॉल्यूशन कुछ नहीं दिख रहा, पर ऐसा भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट हो रहा है कि जो हम जो चीज से डर रहे हैं वो अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। कि जैसे मुझे डर था कि अगर मैं कुछ करूं तो मेरी जो 2 घंटे की नींद है वो चली जाएगी, मुझे काम करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि जो चल रहा है वो चलने दो, चलने इधर दो, आपके बैंड बजी लिए, है आपके लिए बजने बहुत दो। महत्वपूर्ण है नींद, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो वैसे छोड़ना ही वो, छोड़ने का हाँ नहीं है।
तो वो उसको वैसे वहां बैठना ही महत्वपूर्ण लगता था, है ना। तो हाँ, तो इसमें एक एक्शन अगर मैं लेती हूँ कि नहीं 2 घंटे के, मैं 2 घंटा नहीं सोऊंगी, मैं 1 घंटा ही सोऊंगी, तो कुछ हो सकता है। वैसा वो हॉ ने किया कि भाई चलो यहाँ से निकलेंगे आगे, तो उसको कुछ ना कुछ मिला मिला। हाँ, पर उसका जो पार्टनर है वो वहीं बैठा रहा, वहीं बैठा रहा, वो बैठा भूखा प्यासा बैठा होगा। हाँ, और इसके लिए उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति, वो दीवार के ऊपर लिखते गया। अच्छा, है ना, वो दीवार के वो लिखते गया, उसका मकसद था कि कोई पढ़ेगा तो उसको ज्ञान मिलेगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो। और दूसरा, मैं जब वापस आऊंगा एम के पास में, तो रास्ता मुझे वही जाना है, तो मिलेगा कि अरे अपन देखते देखते आएंगे, कुछ तो भी लिखा है, तो वापस आना पड़ेगा, ढूंढे ढूंढे वापस, अपना दोस्त तो उधर ही है। वो दीवार के ऊपर लिखते जाता है ये सब कहावतें, है ना, अपन लिखते ना दीवार के ऊपर लिखी रहती है, कहीं कहीं अपन जाते ऐसा दीवार के ऊपर लिखते जाता है। तो उसका जो पार्टनर वहां बैठा है वो वहीं बैठा है, वहीं बैठा है, वो निकलने को तैयार नहीं। यस, तो पुरानी चीजें आप जब तक छोड़ के नहीं, छोड़ के नहीं। हाँ, अभी एक मेरे पास में, और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक व्यक्ति है, बोले मेरे पास में जनरल मैनेजर है, वो जनरल मैनेजर मेरा काम नहीं कर रहा है, जितना चाहे उतना काम नहीं कर रहा है, मैं उसको 50,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, वो काम नहीं कर रहा है। मैंने, तू छोड़ता क्यों नहीं उसको? बोले छोड़ूंगा तो कैसा होगा, नया आदमी मिलेगा क्या, नया आदमी इतना कर सकेगा क्या, फिर मैं ऐसा करता हूँ नया आदमी को लाता हूँ, हाँ फिर इसको रवाना करूंगा। तो उसने क्या किया, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, उसको एक आदमी मिला भी, उसने लाया भी, मगर पुराना आदमी इतना पक्का बैठा हुआ है, उसने उसको बराबर हकाल दिया, रवाना कर दिया नए आदमी को, है ना, उसको ऐसा जीना मुश्किल कर दिया कि वो उसको रवाना होना पड़ा। उसने ऐसे एक दो लोग लाए तो सबको रवाना करना पड़ा। तो पुरानी चीजों को जब तक आप छोड़ते नहीं हो, मैंने उसको बोला कि तू पहले इसको रवाना कर दिया, तेरे को नहीं होना नहीं है तो इसको रवाना कर। बोले फिर मेरा कैसा होगा, मेरा होगा 8-10 दिन 15 दिन महीना भर तकलीफ होंगी, मगर तू पुरानी चीजों को छोड़ दे, अभी तू पकड़ के बैठा है, तेरे को नया नहीं मिलेगा जब तक तू इसको पकड़ के बैठा है, क्योंकि तू भी बेफिक्र है कि चलो अपने पास में है तो सही, काम तो निकल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा है, तो तुम भी बेफिक्र। जब वो चले गया तो एकदम गैप हो गई, हाँ। तो वो एकदम दौड़ना चालू किया उसने, चलो अभी कोई तो भी लाओ, नया लाओ, नया लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, तो उसने जल्दी लाया आदमी, हाँ। मिला भी फिर उसको। तो पुरानी चीजों को हम छोड़ते नहीं है क्योंकि वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हाँ। और जब तक आप छोड़ते नहीं है तब तक नया मिलता नहीं। यानी एकदम एग्जैक्टली एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल। यस यस, और वहां पे हमारी भी कुछ इनऑथेंटिसिटी रहती है कि अपने को मेहनत नहीं करनी है, इसलिए जो चल रहा है वो चलने दो, चलने दो, क्योंकि नया आदमी लाएंगे तो ब्रेकडाउन होंगे, हाँ, उसको सिखाना पड़ेगा, वो तोड़फोड़ करेगा, प्रोसेस करेगा नया आदमी, तो वो सब 15-20 दिन महीना भर 2 महीने, है ना, इसलिए तकलीफ होती है। इसलिए हम हमारे बिजनेस के वर्कशॉप में हम बोलते हैं कि आपके पास में बेंच स्ट्रेंथ होना जरूरी है। बेंच स्ट्रेंथ इसका मतलब है कि आपके आपको 3 आदमी की जरूरत है, आपको 4 आदमी होना है, 4 होना, क्योंकि 3 आदमी में से किसने दगा दिया तो आपका वो जो 4th आदमी बैठा है बेंच के ऊपर वो तुरंत काम में आ जाएगा। पर ये तो हुआ सर बिजनेस के एरिया में, तभी इसमें, हाँ, पर अगर हेल्थ, हाँ, पर अगर हेल्थ के एरिया अगर हम लेते हैं काम करने के लिए, ये इससे रिलेवेंट, तो फिर वहां अभी ओपन नहीं हो रहा है कि कौन सी मैं पुरानी चीज नहीं छोड़ रही हूँ और नया कुछ नहीं कर रही। नहीं, ये अभी आपको हेल्थ केयर एरिया में, अभी तो आप बोले 2-2 घंटे सोते हैं, रात को 7-7-8-8 घंटे सोते हैं, तो ये हेल्थ केयर ठीक नहीं ना, छोड़ना पड़ेगा नहीं। यस, इतनी जरूरत ही नहीं है। आपको चलना है, रोज एक्सरसाइज करना है, जिम में आओ, एक्सरसाइज करना चालू करो, फिट रहो, तो वो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरानी चीज कौन सी आपके लिए? पुरानी चीज है आराम, कंफर्ट जोन, पर वो छोड़ना नहीं चाहते आप। Yes. जब तक वो छोड़ेंगे तब तक नया मिलेगा नहीं, तो वो छोड़ो। जब आप सोएंगे नहीं दोपहर को तो फिर करेंगे क्या? जब सोना ही नहीं है तो फिर वो छोड़ेंगे सोना, तो फिर एक्सरसाइज करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, नया देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। यस, गॉट इट। अभी ये हर एरिया में, जैसा आपने असाइनमेंट दिया था कि आप कौन सी चीजों को डरते हो वो लिखो, तो मुझे वहां प्रेजेंट हुआ कि अगर मैं कुछ करूं तो मुझे वहां पैसा डालना पड़ेगा, और मेरा पैसा अगर डूब गया तो, क्योंकि तो मुझे तो सोना है, ये डर था। यस, गॉट इट। ओके, संगीता, संगीता वर्मा बोलिए, ये चालू करो, वीडियो चालू करो ना।
नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ मैं ये बोलना चाहती थी, मेरे बेटे को 19-20 साल का था जब ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब इंजीनियरिंग को डाली थी मैंने औरंगाबाद को उसको प्राइवेट में, लेकिन वो जो बाकी के बच्चे वगैरह थे वो थोड़े गलत थे, तो इन्हें बेटा पहले तो कुछ बोला नहीं मुझे, फिर बाद में मैंने उसके मन का निकाली पूरा कि भाई बेटा थोड़ा कम बोलता है मेरा वो वैसा, तो फिर वो एक 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 बातें मुझे पता चली, तो फिर मैंने ये तुरंत निर्णय ले लिया कि मुझे बेटे को यहाँ रखना नहीं है। उसे काफी वहां से तकलीफ हुई, फिर डॉक्टर ने बोला कि इसे सिजोफ्रेनिया है, कि ये मुझे समझ ही नहीं पा रही थी कि ये ऐसे ने दोस्तों ने तकलीफ दिया और ये ऐसे निदान कैसे क्या निकल गया, तो मैंने उसको वहां से लेके आ गई, मैंने कहा ये इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़ दे, ये करना नहीं है आपको, ये अपने लायक नहीं है। फिर मैंने उसको यहाँ लाई, फिर यही गांव में ही मैंने उसको बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराई। मैं उसके लिए इतना रोज मेहनत करती थी सर, उसको पढ़ाना प्लस घर के पूरे काम, मैंने वहां से ने पुराने इसमें से निकाल के आज मेरा बेटा बीवॉक हो गया। अब वो पाइथन की स्टडी करा, पाइथन लैंग्वेज की, अब वो पाइथन लैंग्वेज भी मैं आगे बढ़ाना चाह रही हूँ उसको, तो आज बराबर रेगुलर हो गया और आज बिल्कुल वो थोड़ा इंग्लिश वगैरह कच्चा है उसका, तो बार बार बोलता है मैं नहीं कर सकूंगा, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना, मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या ये करना चाहिए, तो अभी उसी पर भी मैं फोकस दे रही हूँ कि क्या करना चाहिए। हाँ सर, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं वहां से अगर नहीं निकलती तो मेरा बेटा आज मेरे हाथ नहीं लगता। मैंने हाँ मुझे परेशानी बहुत गई, बेटे ने 1 साल गैप लिया, 2 साल गैप हो गया, मैं बेंगलोर रही कुछ दिन उसके साथ में, बहुत स्ट्रगल की जिंदगी थी मेरी उस वक्त, बहुत ज्यादा स्ट्रगल। इधर मेरे पति का बायपास हुआ था सर उसी वक्त, तो मैंने लेकिन हिम्मत नहीं हारी और मैं good. एक रास्ता नहीं है चलो दूसरा रास्ता ढूंढते, ऐसा करके मैंने बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाया। हालांकि मैं कंप्यूटर का कुछ जानती नहीं हूँ, मैं BAMS हूँ, जनरल प्रैक्टिशनर है मेरे हस्बैंड भी, और वो हस्बैंड जब गांव जाते तब मैं ही हैंडल करती क्लिनिक सर। आप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं परभणी महाराष्ट्र, प्रवीण वर्मा जी की सिस्टर हूँ सर, पहले बात करती थी सर आपसे। गुड, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। गुरुवार को मिलेंगे अगले, तब तक आपको ये देखना है कि आपको कौन सी पुरानी चीजें छोड़ना है कि जो आपको तकलीफ दे रही है, कौन सी नई चीजें पकड़ना है, और हो सकता है कि 10 में से 9 बार आप फेल होंगे, मगर एक बार सक्सेस होंगे तो वो 9 बार का जो फेलियर है उसकी कसर वो निकाल देगा, ठीक है ना, और आपको मजा भी आएंगे। तो ये डिफिकल्ट शब्द हमने आज देखा कि डिफिकल्ट शब्द मतलब बढ़ना, यही जिंदगी है, जिंदगी है। डिफिकल्ट ये सिर्फ अपने मुंह में है, कोई डिफिकल्ट नाम की चीज होती नहीं है, डिफिकल्ट अपने मुंह में जबान में तो डिफिकल्ट है तो नहीं है, आपको सच्ची करना है क्या, आप अपने आप को पूछो कि मुझे सच्ची करना है क्या, रियली मैं कमिटेड हूँ क्या, सचमुच मेरे को करना है क्या, वो तो आप करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, बराबर है जब नहीं देखा। और पुरानी चीजों को जितने आप जल्दी छोड़ेंगे उतनी आप नई चीजें लाएंगे, पुरानी चीजों को आप पकड़ के रखेंगे तो नई चीज मिलेंगी नहीं, और पुरानी चीज पुरानी होने वाली है। आज सब नया होते जा रहा है रोज, आपकी सोच भी नई करनी पड़ेगी, सोच भी नई करनी पड़ेगी, एक्शन भी नई लेनी पड़ेगी। ऐसा सोचो ये हफ्ते में कि मैं ऐसी कौन सी नई एक्शन लूं कि जो मैंने अभी तक ली नहीं है, ऐसी कौन सी मैं नई एक्शन लूं कि अभी तक मेरी जिंदगी में ली नहीं है, और वो यदि एक्शन मैं लेता हूं या लेती हूं तो मेरी जिंदगी का रूपांतरण हो जाए, टोटली नई जिंदगी हो जाएगी। तो यह आपको ये हफ्ते में सोचना है कि ऐसी कौन सी एक्शन में लूं, नई एक्शन जो अभी तक मैंने जिंदगी में ली नहीं, अभी तक वो एक्शन यदि मैं लेता हूं तो मेरी जिंदगी में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पूरी जिंदगी आमूलाग्र बदल जाएगी। गुड, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, और अगले बार गुरुवार को लिंक यही रहेंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो ताकि उनको ये नई जिंदगी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।